विश्वास दिलाता हूँ कि जाना तो बड़ी बात नहीं कहूंगा, आपके सहयोग से आपके मेहनत से अगर पूछिंग मरैया जीत करके जाएगा, आपके सर को नीचे नहीं होने देगा, सर झुकाने की जरूरत नहीं है, सर उठा करके आप जिएंगे, मेरा दावा है, ये भी मेरा दावा है। आपके ऊपर अगर कोई उंगली उठाने की कोशिश करेगा शासन प्रशासन के लोग, तो उनसे ही का जवाब पत्र से देने के लिए हम भी हमेशा तैयार रहेंगे। कहीं भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने जिसको जिताया है वो हमारे वोट पर खरा नहीं उतरा, ऐसा नहीं महसूस होगा। आपके दिल दिमाग को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिताने के बाद आपको सुकून महसूस होगा कि हमने फूल सिंह बरैया को जिताया है। ये सही मायने में जो कुछ होना चाहिए एक आदमी एक सेवक का, ये पार्लियामेंट मेंबर असेंबली और मंत्री कोई शासक नहीं होते हैं, ये जनता के सेवक होते हैं। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इस किसी भी काम में आपके दिल दिमाग को आपके हृदय को कहीं भी तकलीफ महसूस नहीं होगी, आप सर झुका करके कह सकेंगे हमने मेहनत करके फूल सिंह बरैया को जिताया है। कभी कभी जिन लोगों को हम जिताते हैं बाद में बहुत बुराइयां मिलती हैं तो क्या कहते हैं कि हमारी हाथों से गलती हो गई है, ऐसा कभी आपको अवसर नहीं आएगा। डॉक्टर साहब के सहयोग के कारण मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और मैं प्रत्याशी आपके बीच में, मैं यही कहूंगा तैयारी कर रही है उसकी सूचना देने जैसी बात कर रहा हूं। उन्होंने अभी तक सारी पोलिंगों का काम पूरा कर लिया है, कौन सी पोलिंग हमें जीतनी है, कौन सी पोलिंग हमें खरीदनी है, कौन सी पोलिंग हमें करानी है, उसको उनके वोट हैं तो वो वैसे जीतते हैं, कुछ खरीदते हैं और कुछ डरा देते हैं। बीजेपी के लोगों में डराने की जो प्रथा चली है कि मोदी जी ने शुरू की, उनके खिलाफ भी कोई बोल गया है तो एक घंटे बाद वो जेल में है, ऐसा तानाशाह धरती पर हिटलर भी नहीं हुआ। मैं इसलिए आपके बीच में कह रहा हूं कि छोटी सी बात पर जेल में, थोड़ा धनवान है तो ईडी, सीबीआई, इस प्रकार के इतने ज्यादा जुलुम किए हैं बीजेपी ने, कर रही है अभी, लेकिन जुलुम करने वाले को पता नहीं है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इनको सर झुकाने का, शरीर झुकाने का भी जगह नहीं बचेगी। क्योंकि कभी कोई हमेशा तो रहता नहीं है शासक, हाँ ये बात सत्य है, इसकी हमें थोड़े चौकर न रहना है। वो इस देश का डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जिस दिन संविधान खत्म हो गया उनके नए संविधान में चुनाव का कोई प्रावधान नहीं, जैसे आप बैठे हैं अपनी जगह पर, कोई सरपंच है, कोई उप सरपंच है, कोई जनपद है, कोई जिला का, कोई नगरपालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष सम्मानित नागरिक हैं, गांव गांव में इनकी रेपुटेशन बनती है, ये सभी खत्म हो जाएगा तो रेपुटेशन कैसे बनेगी, कैसे हम इंसान में से आगे बढ़ करके अपने को साबित करेंगे कि अपनी कुछ करने लायक। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है। इस पर अगर सदमा लेकर बैठ गए, हम दुख में बैठे रहे, तो इसमें हमारे साथ भी बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद हमारा आपका धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इस चुनाव को जीतना एक अकेले भिंड का ही नहीं है, भिंड का जीतने का मतलब तो यह है कि एक बूंद मन ने घड़े में डाली है तो बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है, ये कारण है भिंड का। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्यों? क्योंकि 400 पार होने से ही संविधान बदला जाए, लोकतंत्र खत्म होगा 400 पार। लेकिन एक एजेंसी है, अभी मैं और बात बताऊंगा आपको,
एक एजेंसी है जिसका अभी तक सर्वे कभी झूठा नहीं गया है। उस सर्वे ने कहा कि मोदी जी 200 भी पार कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बार की चर्चा बता रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम कहीं कमजोर बैठे रहे और इधर मोदी जी 200 के नीचे ही रह गए, कम बाद में प्रायश्चित करेंगे कि हम समझ नहीं पाए, हम भी मेहनत करते तो ये सीट हम भी जीत सकते थे। इसलिए मैं आपसे इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अभी राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा चली, उन्होंने कहा कि देश खतरे में कैसे है, देश और भी डीपली जाएगा, देश कैसे खतरे में है। इन्होंने नौकरियां खत्म कर दी, 2 करोड़ नौकरियां हर साल खत्म करने का इनका योजना, उन्होंने पूरी नौकरियां खत्म कर दी। तो जो बच्चा आपका पढ़ेगा लिखेगा डिग्रियां करेगा, लड़के लड़कियां डिग्रियां लेंगे, छात्र छात्राएं डिग्रियां लेंगे और डिग्रियों के बाद उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या मिट्टी खोद करके पेट भरेंगे क्या? क्या डिग्रीधारी मिट्टी खोद सकता है क्या? क्या करेंगे वो? इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस और मोदी जी ने कभी इसके ऊपर बयान नहीं दिया है और ना ही ये कहा कि जब इन बच्चों का भविष्य आप चौपट कर देंगे तो क्या ये बच्चे क्या करेंगे, क्या इस देश में लोग जिंदा रह पाएंगे कभी? इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि राहुल जी ने बेरोजगार लोगों को कहा कि बेरोजगारी को हमें मिटाना है तो मोदी जी से मुंह मोड़ करके आप कांग्रेस की तरफ मुंह बनाइए। और राहुल गांधी जी ने कहा मैं इसको इस बार लगाम दूंगा, आने वाले समय में जब ज्यादा समय मिलेगा मैं बेरोजगारी को पूर्ण रूप से खत्म कर दूंगा। तो उन्होंने कहा, तो शायद ही डॉक्टर साहब ने पूरे क्षेत्र में इस बात को कहा है कि विधानसभा का बदला हमें लोकसभा में लेना है। तो मैं समझता हूँ दोनों का अलग जीतने के बाद मैं डॉक्टर साहब की कमी को पूरा नहीं कर सकता लाहौर के अंदर, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जाना तो बड़ी बात नहीं कहूंगा, आपके सहयोग से आपके मेहनत से अगर पूर्ण सिंह बरैया जीत करके जाएगा आपके सर को नीचे नहीं होने देगा, सर झुकाने की जरूरत नहीं है, सर उठा करके आप जिएंगे, मेरा दावा है।